तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में कैडेविक पर आयोजित वर्कशॉप कैडेविक वर्कशॉप ऑन सर्जिकल अप्रोचेज टू लोअर लिम में बतौर मुख्य वक्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली USMS के प्रोफेसर रेहानुल हक और इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर नई दिल्ली के डॉक्टर रेताब मित्तल ने शिरकत की। वर्कशॉप में वेस्टर्न यूपी के 50 डेलीगेट्स ने भी भाग लिया। इसके अलावा नेपाल के डेलीगेट्स भी आए। वर्कशॉप में ऑर्थो के पीजी छात्र छात्राओं को प्रोफेसर रेहानुल हक ने कैडेवर मृत शरीर पर ऑपरेशन करने के टिप्स दिए। इसके अलावा ऑपरेशन करने के दौरान क्या क्या सावधानी बरती जाए उसकी ट्रिक्स भी बताई। इससे पहले बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर रेहानुल हक और डॉक्टर रेताब मित्तल ने दीप जलन कर वर्कशॉप का शुभारंभ किया। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स के विभाग अध्यक्ष एडिशनल डीन एकेडमिक्स मेडिकल डॉक्टर नजमुल हुदा को ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन, MS प्रोफेसर अजय पंत ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, प्रोफेसर अमित सर्राफ की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। प्रोफेसर रिहान ने पीजी के स्टूडेंट्स को बताया लिम्स के ऑपरेशन के समय क्या क्या सावधानी बरती जाए, जैसे नसें न कट पाएं, प्लेट्स का प्लेसमेंट गलत ना हो, अपने ऑपरेशन के लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। वर्कशॉप में ऑपरेशन करने के लिए 6 कैडेवर मंगाए गए थे जिन पर अतिथियों ने ऑपरेशन करना सिखाया। वर्कशॉप में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स के विभाग अध्यक्ष एडिशनल डीन एकेडमिक्स मेडिकल डॉक्टर नजमुल हुदा को ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन MS प्रोफेसर अजय पंत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वर्कशॉप में एनाटॉमी के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर SK जैन, डॉक्टर संदीप विश्नोई, डॉक्टर मनमोहन शर्मा, डॉक्टर प्रखर अग्रवाल, डॉक्टर हितेंद्र, डॉक्टर शाहिद, मीर उल इस्लाम, डॉक्टर अल्ताफ हुसैन, डॉक्टर साद मोहम्मद, डॉक्टर प्रत्यूष पराग आदि उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर शुभम अग्रवाल ने किया। अंत में डॉक्टर अमित सर्राफ ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। ऑर्थोपेडिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी ने मिलकर के एक कैडेवरिक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है। ये वर्कशॉप ख़ासतौर से हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए है, ताकि वो जो डिफरेंट सर्जिकल अप्रोचेज होती हैं, यानी कि जो ऑपरेशन करने के तरीके को अच्छी तरह से, उसकी जटिलता को अच्छी तरह से कैडेवर्स के ऊपर समझ सकें। इस उपलक्ष्य में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई है और इसमें करीब 30 लोग, 30 डेलीगेट्स बाहर से आए हैं। 2 फैकल्टी मेंबर्स दिल्ली से आए हैं, एक UCMS GB पंत हॉस्पिटल से हैं और एक इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज दिल्ली से आए हैं। और ये सभी फैकल्टी मेंबर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया और जितने भी डेलीगेट्स थे उन सबको कैडेवर्स पे, यानी कि डेड बॉडीज़ पे जो ऑपरेशन की जटिलताएं हैं उनको पहले समझाया गया और फिर उनसे अपनी निगरानी में ऑपरेशन भी करवाए गए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ट्रेनी सर्जन्स हैं जो अभी MS कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कोर्स कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाए और वो ऑपरेशन थिएटर में अपने आप को थोड़ा सा सक्षम महसूस करें। इस कैडेवरिक वर्कशॉप का यही उद्देश्य है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट हो पाए।